तो फॉग लाइट लगी हुई है, लेकिन हम लोग आश्वासन देते हैं कि हमारे क्लब जो है, जितने भी राइडर हैं शहर के अंदर, कभी भी उस फॉग लाइट का मिसयूज नहीं करेंगे। तो हम लोग जैसे नियम कानून है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, जिसे मैंने पहले कहा। और अभी भी हम लोग आप लोगों का ही सहयोग देने के लिए यहाँ आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये मोटर व्हीकल रूल्स में भी, इट्स नॉट जस्ट अ रूल टू बी फॉलोड, बट इट इज़ ऑल्सो ए सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर आवर ओन बीइंग, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, आप चला रहे हैं, डैमेज बाकी को तो हो ही सकता है, साथ में आपको खुद को भी हो सकता है। तो इसीलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट। आई कॉन्ग्रेचुलेट DSP ट्रैफिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। और आज आप लोगों ने जो अपना अपना जो साइलेंसर को डैमेज कराया, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सरकार की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से ये मुहिम जो आज हम लोगों ने शुरू की, हमारी जो साइलेंसर पाइप जो कस्टम मेड है, जिसमें से साउंड ज़्यादा होता था, उसे आज हम लोगों ने सरेंडर की। तो मैं अपील करना चाहूँगी हमारे जो युवा वर्ग हैं, खास करके युवा वर्गों के गाड़ी में ही, बाइक में, सिर्फ बुलेट ही नहीं, जैसे मैंने कहा, बाइक में ज़्यादातर यह साउंड वाला कस्टम मेड साइलेंसर पाइप लगा हुआ होता है। तो मैं हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ पुलिस स्टेशन में आ करके यहाँ के ट्रैफिक सेल के जो ऑफिसर हैं उनके सामने, और फिर DC तालापोतम और SP साहब के सामने हम लोगों ने अपने जो साइलेंसर पाइप को हम लोगों ने सरेंडर की, और हम लोग जो ओरिजिनल वाला लगाया जिससे कि साउंड कम हो। तो युवाओं से भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि चलिए हम लोग अपने अरुणाचल को बेहतर अरुणाचल बनाएं। तो अभी ट्रैफिक पुलिस से कोई खतरा नहीं साउंड के लिए? कोई खतरा नहीं है। हम लोग सिर्फ नहीं है क्लब का, नहीं, अभी दूसरा क्लब भी आप लोग को ज्वाइन करके सारा सरेंडर करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग ने भी बोला है, आप लोग का इनिशिएटिव अच्छा है, वो लोग भी साथ देंगे। और जो लाउड आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, सब हमारे जितने भी बुलेट राइडर्स है अरुणाचल में, जैसे ABC है, ग्लाइडिंग पिराना से, गोरखा राइडर से, 30° नॉर्थ से, सियांग राइडर से, सबका चीफ से बात हुआ है मेरा, तो उन लोगों ने भी बोला है, और हम लोग भी धीरे धीरे सरेंडर कर देंगे। और बाकी लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं सबको स्पेशली कैपिटल में जितना भी बाइक राइडर्स है, वो चाहे आपका स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो या नॉर्मल बाइक में जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यूज़ करता है, सबको निवेदन करता हूँ कि आप लोग सारा एग्जॉस्ट निकाल के जो ओरिजिनल कंपनी पीटर जो एग्जॉस्ट होता है उसको यूज़ करें। ये सबसे इनिशिएट दिया हमारा SP सर का ये था, जो भी है इसका ही आइडिया के कारण से हुआ, जो हमारे आप देखा ही होगा, DC सर भी आए थे, दोनों का आइडिया से ही ये इनोवेटिव निकला है। इनोवेटिव नहीं है एक्चुअली, ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी 192 सेक्शन MVI वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि मॉडिफिकेशन साइलेंसर नहीं लगाने, वहाँ पे ऑलरेडी रूल्स पे है, जस्ट रूल्स को हम लोग छान छान के निकाल के पब्लिक को सामने पेश कर रहे हैं कि उसके कारण दूसरों को ना प्रॉब्लम हो, बस इतना ही कोशिश है हमारा। हमारा तो यही है कि पब्लिक हमें साथ दे, और दे भी रहा है। अरुणाचल में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर 99% आदमी सपोर्ट करता है, 99% आदमी सब हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, अभी तक बहुत कोशिश करता है बेचारा, हम भी समझ देता है पार्किंग इशू को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको धीरे धीरे कर रहा है। बिल्डिंग्स बहुत सारा आपका बहुत सारा बिल्डिंग्स है जो पार्किंग एक्चुअली वो लोग को देना चाहिए था, वो जो गलत कंस्ट्रक्शन करने का कारण से पार्किंग इशू बहुत सारा है। बिल्डिंग बनवा लिया लेकिन उसकी गाड़ी रोड पे रखता है, बोलता पार्किंग नहीं, तो पार्किंग इशू तो ये तो हमारा ही है, हमको ही समझना होगा, हमको ही सोचना होगा कि कैसे इसको, जैसे कि आपका बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मेटेरियल लाइंग ऑन द रोड साइड, इतना बिल्डिंग्स बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन मेटेरियल को रोड पर रखा हुआ है, आपका जो जितना भी जो वेंडर्स लुक है उसको अभी जाके आपको इसको हटवाना होने से बाद में वो लोग ही बोलेगा कि नहीं अब लोग गरीब वाला को सिर्फ टारगेट करता है। लेकिन हम देखा गया यहाँ पे, अगर मेरा ख्याल से 90% तो अरुणाचल में सब गरीब ही है,
उसमें कोई अमीर बोल के नहीं, अगर कंपेयरिंग तो अदर स्टेट और अदर कंट्री, तो हम लोग को समझना होगा कि ऐसा नहीं करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना से लेना होगा, दूसरा को ब्लेमिंग कम करना होगा, कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना है। पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पुलिस भी एक इंसान है, अगर आप उसको अच्छा से रिस्पॉन्स करेगा, अच्छा से उसको रिगार्ड से बात करेगा, हैज लोफुली अच्छा से आप उसको वो करेगा, तो आपको उतना ही वो रिस्पेक्ट करेगा। आप भी एब्यूसिव करता है, बाद में आप विक्टिम का एक्टिंग करता है, ऐसे मत कीजिए, ये मेरा अपील रहेगा, ऐसे मत कीजिए, हम लोग को अच्छे से रिस्पेक्ट दीजिए। हम लोग भी सिर्फ, हम लोग भी दिल से वही चाहता है कि पब्लिक सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वी केयर फॉर यू एंड वी आर विद फॉर यू, और आपके लिए है, और हमेशा आप लोग के लिए सपोर्ट में, हमेशा आपके लिए काम करें। जो हमारा ईटानगर का ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये हम काफ़ी दिनों से इसको कोशिश कर रहे हैं, एंड जो मेन रोड्स हैं, जो कि स्पेशली जहाँ फोर लेन ऑलरेडी बन गया है, इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है, एंड इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कनेक्टिंग रोड्स है, जो कॉलोनीज़ है, उसमें भी हम धीरे धीरे अपना जो रेगुलेशंस है उसको ले जाएं, और वहाँ के एक्चुअली पब्लिक से सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास फोर्स लिमिटेड है, और हम हमेशा हर जगह नहीं हो सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक रूल्स जो है इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन जो पब्लिक के पास होता है, एंड उसको हमें जगाना है, एंड उसी के बेसिस पे एक्चुअली सुधार होगा, क्योंकि स्पेशली जो आपके कॉलोनी रोड्स हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो इनर रोड्स हैं, वहाँ पे जो है, वहाँ पे आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन के बेसिस पे अपने आइडियाज से आपको सही करना होगा। तो मैं डेफिनेटली अपील करना चाहूँगा, अगर कहीं भी पब्लिक को कोई भी इशू है तो आप डेफिनेटली हमारे पास आएँ, जो हमारे पास आपके लिए सुझाव होगा उसके साथ साथ जो आपको मदद हमसे चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, और आपके सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि आपके वहाँ अगर कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक रिलेटेड इशू है उसको भी संभालें। डेफिनेटली जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होगा ओवरऑल पुलिस काम करेगी, लेकिन क्योंकि आज ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी मच वेलकम, आप हमारे पास आएँ, अपनी तकलीफ़ें बताएँ, हम कोशिश करेंगे। सर जैसे कि आज मैडर्स क्लब ने एक इनिशिएटिव लिया था जो अफ्तर मार्केट सरेंसर पाइप में जो सरेंडर किया लोगों के सामने, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर नेक्स्ट जब आप लोग चेकिंग करेंगे इस प्रकार का, अगर कुछ जो अफ्तर मार्केट में सरेंसर पाइप मिलते हैं, तो उन लोगों को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, या फिर किस तरह से चलान किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा? इसमें MBA एक्ट में हमारे पास सेक्शंस हैं जिसके बेसिस पे हम लीगल एक्शन लेंगे, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उसमें उसको हटा दिया जाए और फर्दर इसका यूज़ ना हो।